नमस्कार, आप देख रहे हैं देशरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या भारती। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव अपने फैंस को खुश रखने के लिए आए दिन कुछ न कुछ करते नजर आते हैं और अभी वो होली के गाने के शूटिंग को लेकर थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के ऊपर एक FIR जो है दर्ज कराई गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये FIR किसने और आखिर क्यों दर्ज कराई है, तो आपको बता दें ये FIR लखनऊ के गुडम्बा के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है और उन पे ये FIR जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के निर्देशक राजकुमार पांडे ने की है। राजकुमार पांडे जो कि भोजपुरी एक्टर प्रदीप उर्फ चिंटू के पिता हैं, जो बतौर एक भोजपुरी एक्टर इंडस्ट्री में पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें निर्देशक राजकुमार पांडे भोजपुरी और हिंदी टीवी सीरियल में पिछले 30 सालों से काम करते आ रहे हैं और अब तक करीब 45 से 50 फिल्मों को डायरेक्ट भी कर चुके हैं और समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें स्नेह और सम्मान की नज़र से देखता है। वहीं चिंटू भी पहले एक बाल कलाकार के तौर पर काम करते थे और अब वो एक लीड एक्टर के तौर पर 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं राजकुमार पांडे ने कहा है कि खेसारी लाल यादव उनसे और उनके बेटे की लोकप्रियता से जलते हैं और पिछले 2 सालों से खेसारी लाल यादव और उनके साथियों के द्वारा चिंटू को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर आकर उन्हें और उनके बेटे के प्रति आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें छोटा भी दिखाना चाहते हैं और उन्हें धमकी भी दी जाती, जिसे लेकर FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस इस मामले में जांच जो है शुरू कर दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि खेसारी लाल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सिंगर के तौर पर किया था और अब वो एक लीड एक्टर के तौर पे भी काम करना शुरू कर दिए हैं। वहीं आज खेसारी एक बेहतरीन सिंगर के साथ एक शानदार एक्टर भी है। अब इन पूरे मामले को लेकर खेसारी लाल यादव क्या कुछ कहते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखना बेहद जरूरी हो गया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए देशरी न्यूज़।